एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग जो कि फ्रेड काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है और ये पूछा गया था आपका गेट 2004 में 2 मार्क्स का। क्लियर बात है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, क्वेश्चन क्या है ये देखिए। पहले क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि अ क्लोज सिलेंडर हैविंग अ रेडियस आर इक्वल्स टू आर एंड हाइट एच। क्लियर, रेडियस आर है और हाइट कितना आपका एच। वो क्या है, इज फिल्ड विथ ऑयल एंड ऑफ डेंसिटी रो। ऑयल की डेंसिटी कितनी हुई, रो। क्लियर बात है। बोला इफ द सिलेंडर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, अगर इसको इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है, क्लियर, एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी से, एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा मतलब ओमेगा वेलोसिटी से अगर इसको रोटेट किया जा रहा है, तो वो क्या रहा आपको कि देन थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, बॉटम पे कितना थ्रस्ट लगेगा, बॉटम पे कितना थ्रस्ट लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर, बोला गया कि ये एक सिलेंडर है तो बोला गया इसके बॉटम पे तो इसका वेट तो लगेगा ही लगेगा, तो बोला गया एक फोर्स तो एमजी रहेगा ही रहेगा। क्लियर बात है, एमजी को कोई साइड नहीं कर सकता है और mg बराबर क्या हो गया आपका, अगर बात करें तो रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, ये तो रहना ही है, कंफर्म रखिए। नहीं तो ये हो गया आपका रो जी और वॉल्यूम की जगह पे लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितना है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब इतना फोर्स तो लगेगा, कंफर्म बात है, लगेगा कंफर्म। अब देखते हैं और कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। तो बोला जब सिलेंडर रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है इस पे लगेगा एक प्रेशर फोर्स, इस पे लगेगा एक प्रेशर फोर्स। अब वो प्रेशर फोर्स कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। नहीं, ये प्रेशर फोर्स कितना होगा, वी वांट टू फाइंड दैट। तो बोला आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डेल पी बाई डेल आर, डेल पी बाई डेल आर इक्वल्स टू होता है रो वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो आपको प्रेशर निकल जाएगा बॉटम पे और उसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स निकल जाएगा और उसी फोर्स को अगर इंटीग्रेट कर दें तो काम हो जाएगा आपका जीरो टू आर करने पे। नहीं तो लगे देखिए ध्यान से, वी की जगह पे हम लिख सकते हैं रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आर और आर कैंसल हो गया। नहीं तो अगर हम बात करेंगे डेल पी की तो डेल पी बराबर हो गया रो आर ओमेगा स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें हम तो काम हो जाएगा, अपना पी निकल जाएगा, तो पी इक्वल्स टू कितना जाएगा, अगर बात करें तो पी इक्वल्स टू हो गया रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू, ये निकल गया आपका प्रेशर। और अगर फोर्स की बात करें तो एफ बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू इंटू कितना, इंटू पेरिफेरी, तो कितना हो जाएगा आपका टू पाई आर इंटू डी आर, दैट इज टू पाई आर इंटू डी आर। और अब इसी का इंटीग्रेट कर दें तो काम हो जाएगा आपका, क्लियर, फोर्स निकल जाएगा। तो लगे क्या कि ये टू और टू हो गया कैंसल आउट। नहीं तो अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो लगे एफ इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, देखिए ध्यान से यहां पर पाई रो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। नहीं तो यह हो गया आपका आर क्यूब इंटू डी आर, कहां से कहां तक, लगे जीरो से कैपिटल आर, जीरो से कैपिटल आर तक। नहीं तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई रो ओमेगा स्क्वायर आर टू द पावर फोर बाई फोर, आर टू द पावर फोर बाई फोर, इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा इसका इंडिकेशन, आर फोर बाई फोर लिमिट पुट कर दिए। और बोला गया क्या कि ये जो फोर्स आया है आपका, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मिलकर लगा देगा आपका टोटल फोर्स। क्लियर बात है, तो अगर बात करेंगे टोटल फोर्स की तो टोटल फोर्स इक्वल्स टू हो गया, टोटल फोर्स इक्वल्स देखिए ध्यान से, रो जी पाई आर स्क्वायर एच और प्लस पाई रो ओमेगा स्क्वायर आर टू द पावर फोर बाई फोर। अब आपको सिर्फ आंसर मैच करवाना है, नहीं तो फोर वाला तो दो ही दिख रहा है आपको, तो एक काम करते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इससे, जैसे ही पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, रो जी इंटू एच, तो यह हो जाएगा आपका रो जी इंटू एच और प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो क्या हो जाएगा यहां पे, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई फोर।
रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। अब आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें, अगर बात करें तो ये ऑप्शन दिख रहा है पाई आर स्क्वायर रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 और प्लस रो जी एच, नहीं तो बोला कि इसका ऑप्शन हो गया डी। मतलब इसमें बेसिक फॉर्मूला जो आपको यूआर याद रखना था वो था आपका ये। क्लियर से बात है? तो बोला कि ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का। क्लियर? ओके, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.